गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस फॉर एचपीएएस एग्जाम, नायब सदर एग्जाम एंड अलाइड सर्विसेज एग्जाम एंड मेनी मोर एग्जाम्स विच इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। सो वेलकम टू दिस शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सभी का, जो भी यहाँ पे जो है नया आया है उसका वेलकम। तो करंट अफेयर्स करते हैं हम यहाँ पे आए डिस्कस आज, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो 6 मंथ्स पहले जाओ घटित हुए हैं। करंट अफेयर्स 6 मंथ्स के जाओ करंट अफेयर्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको जाओ एग्जाम में आ सकते हैं वो। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे आप जाओ डाउनलोड कर सकते हैं उसको। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके के नेट नोट्स और राजपी जीके के नोट्स और महात्मा गांधी के नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। एंड होली जो आपको ऑफर वहां पे चला हुआ है ₹20 जो यहाँ पे डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, ₹20 का जो डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है कि आपको कूपन कोड असाइन करा हुआ है वहाँ पे, आपने जाओ शुभम जी के ट्रिक्स जो आपका कैपिटल में कूपन कोड डालना है, शुभम जी के ट्रिक कैपिटल में जाओ कूपन कोड डालना है, ठीक है। देन आप जाओ आपको वहाँ पे ₹20 का डिस्काउंट वहाँ पे आपको जाओ मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों कोर्सेज के ऊपर यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स और विद आपको जो नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और लाइव सेशन भी ले रहा हूँ मैं अभी, इकोनॉमिक्स चली हुई है, लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ शाम को 5 बजे। करना क्या है, नीचे आपको जो स्मॉल में बैच सेक्शन देखने को मिलेगा उस पे क्लिक कीजिएगा, देन आप प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, देन स्मॉल में आपने जाओ जीके ट्रिक डालना है, वहाँ पे क्या डालना है स्मॉल में जीके ट्रिक डालना है। तो आप जाओ शाम को 5 बजे मेरे साथ जाओ लाइव सेशन में डेली जो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जो आपको शेयर करते रहता हूँ, इनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाओ मैं पीडीएफ वगैरह भी जितनी भी होती है वो आपको शेयर कर देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पे और शेयर कर देता हूँ, और जितने भी आपके जो आपके नोटिफिकेशन होती है वहाँ पे जाओ उसके उनकी पीडीएफ आपको जो शेयर मैं कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो कौन सी कंट्री बैन लगाने वाली है। तो याद रखो बी ऑप्शन राइट आंसर है, इंडिया वो बैन लगाने वाली है, और इंडिया ने जो यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक में जो 2022 में जिसको बैन लगाने की बात की है, तो याद रखें उसके लिए 3 स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बांटी गई है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत 3 कैटेगरीज आएंगे। फर्स्ट कैटेगरीज में जैसे आपका जो बैलून की स्टिक्स होती है प्लास्टिक स्टिक्स, फ्लैग्स की जो प्लास्टिक स्टिक्स होती है, कैंडीज की जो प्लास्टिक स्टिक्स होती है, या ईयरबड्स होते हैं उनकी प्लास्टिक स्टिक्स, आइसक्रीम्स की प्लास्टिक स्टिक्स, या थर्मोकोल जो होता है उसके ऊपर जो बैन लगेगा, ठीक है, यूज होता है आपके डेकोरेशन पर्पज से रिलेटेड। अब देखिए सेकेंड जो कैटेगरी है उसमें जितना भी प्लेट्स होती है प्लास्टिक की, कप्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, और कटलरी होती है, या फिर जो फॉक्स होते हैं, स्पून्स होते हैं, नाइफ्स वगैरह, स्ट्रॉज वगैरह, ट्रेज वगैरह, ये सब आपकी जो आपकी बैन लगेगी सेकेंड कैटेगरी में, और ये 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। थर्ड कैटेगरी में देखो यहाँ पे जो है ये आपका जो सितंबर होगा नेक्स्ट ईयर का 2023 का, उसमें जो है आपका बैन लगेगा, सॉरी 22 का, 2022 का सितंबर में, ठीक है। जो नॉन वुवन बैग्स होते हैं वो थर्ड कैटेगरी में जो है वो आते हैं। तो याद रखो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो बैन लगने वाला है इंडिया में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है। आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26 मीटिंग थी वो आपकी यूनाइटेड किंगडम के जो हो आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी वो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा होस्ट की गई थी, ठीक है, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26 मीटिंग जो हुई थी। अब सिंपल सा याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो पहली मीटिंग थी वो आपकी बर्लिन में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बर्लिन में हुई थी, इसको आपने याद रखना है 1995 में, ये आपको याद रखना है। तो 1995 के बाद आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है वो हर साल आती है, और याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो इसको होस्ट करता है, इस बार यूके ने इसको होस्ट किया था, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस
साइंटिफिक एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इसको होस्ट करता है, इसको कौन करता है होस्ट? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो इसको होस्ट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और याद रखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फर्स्ट मीटिंग आपकी जो हैग में नहीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी। ऑनली बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो आपका किसके ऊपर वर्क करेंगे, वो ग्लोबल नेट जीरो पे जो आपका वर्क करेंगे। किस चीज के नेट जीरो पे? कार्बन के लिए, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, जो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे होता है वो कब मनाया जाता है? जो आपका इंटरनेशनल ई वेस्ट डे होता है वो आपका 14 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। और 2018 के बाद हम जो है इसको हर साल अक्टूबर जो है वो 14 को मनाते हैं, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो सब आपका ई वेस्ट में ही आता है, ठीक है। उसमें आपको जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे लैड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम, ठीक है, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाल या पॉलीब्रोमिनेटेड ये बाइफिनाल ये आपको देखने को वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकता है, लंग्स जो कैंसर ये कर सकता है ई वेस्ट। तो ई वेस्ट को जो कम करने के लिए हमने जो इंटरनेशनल डे बनाया है 14 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम इन टू फोर्स ऑन, जो आपका कन्वेंशन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के लिए वो कब जो अस्तित्व में आया था? तो याद रखेंगे वो 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में जो आया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? 3 ऑब्जेक्टिव थे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बचाना और सस्टेनेबल यूज रखना कंपोनेंट्स का, और इक्विटेबल बेनिफिट जो हर एक वर्ग तक जो पहुंचाना। तो याद रखना है आपको। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कम कब आया था फोर्स में? 29 दिसंबर 1993 को जो ये फोर्स में आया था। अब सिंपल सी बात है, ये क्यों न्यूज में था? कनमिंग डेक्लेरेशन अभी जो आपका साइन हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थ्रू जो साइन किया गया था वो, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो 100 कंट्रीज जो आपके ये साइन करती है 15th मीटिंग में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ना कि 26th मीटिंग में, ठीक है, 15th मीटिंग में याद रखना है। तो ये आपका रिसेंटली न्यूज में था इसलिए मैंने आपको बताया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द प्रोडक्शन गैस रिपोर्ट। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट की बात हुई है, ठीक है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट की यहाँ पे बात हुई है। तो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जो जारी करती है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ये जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जो जारी करती है, ठीक है। और इसमें 15 जो टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है वो आपकी यहाँ पे जो आती है, और इंडिया भी जो उसमें से एक 15 में से थी। तो याद रखो 15 कंट्रीज में से 7th लार्जेस्ट आपकी जो कंट्री फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली वो है इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड? तो देखो यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बताई कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका फॉसिल फ्यूल का 15 कंट्रीज में, जो आपका ये जो आपकी रिपोर्ट आई थी ना प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अंतर्गत, तो उसमें जाओ इंडिया जाओ 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉसिल फ्यूल का, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट, याद रखेंगे कि वो कोल का, सिंपल सी बात है, कोल का जो सेल्फ रिलायंट प्रोड्यूसर है वो बनेगा, ना कि वो इंपोर्ट करे कोल को, ठीक है। और वो 500 बिलियन रुपीज जो कोल के एक्सट्रैक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट जो गलत है क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, इतना याद रखा। उन्होंने जो है शपथ ली है। अब सिंपल से याद रखो कि इंडिया का जो प्लान है, प्लेज किया है उसने कि वो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत 33% से 35% जैव रिडक्शन जो करेगा एमिशन इंटेंसिटी में 2030 में एज कम्पेयर टू 2005, यानी कि 2005 के मुकाबले वो 33 से 35% जो रिडक्शन करेगा आपका एमिशन इंटेंसिटी में,
ठीक है, कोल के एमिशन इंटेंसिटी में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑन 23 अक्टूबर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लेपर्ड? देखो 23 अक्टूबर को हमने जो इंडियन इंडिया इंटरनेशनल जो स्नो लेपर्ड डे मनाया है, तो याद रखें हिमालयन का हिमाचल का जो आपका जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड ही है, और इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हम क्या मनाते हैं आपका, वो आपका 23 अक्टूबर को मनाते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो है आपका पैंथेरा अंसिया। पैंथेरा अंसिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ था, बिश्केक डिक्लेरेशन हुआ था तो आपका 12 कंट्रीज ने जो स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करने की बात की थी, तो 23 अक्टूबर को हम जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो मनाते हैं, और ये आपका जो वल्नरेबल कैटेगरी में जो डाला गया है, किसमें वल्नरेबल कैटेगरी में जो डाला गया है, याद रखो पैंथेरा अंसिया स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस जो टाइगर का, पैंथेरा पार्डस आपका लियोपर्ड का, और पैंथेरा लियो लॉयन का होता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्नो लेपर्ड इज कंसीडर्ड एज, जो स्नो लेपर्ड है वो कहाँ, उसको क्या घोषित किया गया है? तो पहले वो आपका एंडेंजर स्पीशीज था 2017 से पहले, ठीक है, तो उसको अब वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और करीब करीब 450 से 500 स्नो लेपर्ड का जो इंडिया घर है, ठीक है, और इसके लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो चलाया गया था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो चलाया गया था, और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का जो 2013 से जो मेंबर है इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड का ये आपका जो स्टेट एनिमल और यूनियन टेरिटरी का एनिमल है, स्टेट जो बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में, उत्तराखंड वगैरह में, नंदा हिमाचल में और लद्दाख में जाओ, यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय इंडिया टू कंजर्व स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट्स? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया द्वारा चलाया गया है ताकि वो स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व कर सके और उनके हैबिटेट को जो बचा सके? तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो चलाया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसको याद रखना है। एक याद रखना है, सिक्योर हिमालय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो द्वारा जो चलाया गया है, इसके तहत भी जो हम जो हाई एल्टीट्यूड के बायोडाइवर्सिटी वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको जो कंजर्व करने की बात करते हैं, ठीक है, और इसको याद रखना है आपने, बिश्केक डिक्लेरेशन आपका जो इससे रिलेटेड हुआ था, आपका स्नो लेपर्ड से ही रिलेटेड, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सी रिवर जो आपकी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है? तो गंगा आपकी जो उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से जो आपकी ओरिजिनेट करती है, ब्यास आपकी जो हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा से जो ओरिजिनेट करती है, रावी जो आपका हिमाचल प्रदेश बड़ा बंगाल से जो ओरिजिनेट करती है कांगड़ा से, और सतलुज आपकी तिब्बत मानसरोवर से जो ओरिजिनेट करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि सतलुज आपकी इंडिया में जो ऑरिजिनेट नहीं करती है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नायब तहसीलदार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको ये आ सकते हैं क्वेश्चन। तो कंटिन्यूसली वीडियोस को देखते रहिए, और ये आपको जो ऑफर यहाँ पे 20 रुपीज का ऑफर है, तो आप इसको जो परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।